हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर फोर द्विघात समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन एक्सरसाइज है फोर पॉइंट वन एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ इसके जो पार्ट है कि द्विघात समीकरण की जाँच कीजिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहाँ पे आप देख चेक करके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू है कि निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए कोई यह स्थितियाँ है आपने इसमें क्या द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको ये आपके पास कोई स्थितियाँ दी गई है जिसकी फोर पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर टू में तो हम एक एक करके सब पार्ट करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है फर्स्ट तो पार्ट करते हैं फर्स्ट पा फर्स्ट पार्ट में है एक आयत्यकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयत्यकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल हमें दिया है पाँच सौ अट्ठाईस मीटर स्क्वायर है क्षेत्र की लंबाई मीटर में है मीटर में और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटर में और चौड़ाई से चौड़ाई का जो लंबाई है मीटर में और चौड़ाई की क्या है दुगुने से एक अधिक है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गया है कि दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो हमें यह दिखाना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है यानी कि द्विघात समीकरण क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बराबर जीरो उस रूप में हमने इसे लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ इसके चारों पार्ट द्विघात समीकरण के रूप में आने चाहिए तो हम करते हैं एक फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें एक आयत दिया है आयत बना देंगे जिसमें क्या आ गया है जो लंबाई है वो हम एक्स मान लेंगे हम लिखेंगे माना आयताकार जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई एक्स है हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई या फिर इसे हम चौड़ाई क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है चौड़ाई है तो हम लिखेंगे माना माना हमने कि आयतकार जो है आयतकार भूखंड की चौड़ाई ये चौड़ाई है लंबाई नहीं है सॉरी इससे पहले लंबाई कहा था चौड़ाई आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी x है ये हमने माना है चौड़ाई x है फिर माना आयताकार भूखंड की लंबाई अब लंबाई क्या बोल रहा हो लंबाई बोल रहा है कि जो चौड़ाई उसकी दो गुनी और प्लस एक अधिक है तो टू एक्स प्लस वन तो ये हो गई लंबाई टू एक्स प्लस वन ये हमने मान लिया फिर तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि उसकी हमको क्षेत्रफल दे रखा है किसका आयत का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू लिख सकते हैं ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना देर आयत का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पाँच सौ अट्ठाइस मीटर स्क्वायर पाँच सौ अट्ठाईस मीटर स्क्वायर यह हमारे पास गिवन है तो आइए क्वेश्चन करते फार्मूला लगाएंगे इसमें हम तो फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल होता है तो इसमें हम रख देंगे क्षेत्रफल हमारे पास दिया है पाँच सौ अट्ठाईस तो पाँच सौ अट्ठाईस रख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई हमारे पे क्या है टू एक्स प्लस वन क्रॉस इंटू एक्स तो इसको कर देंगे सॉल्व इसको इधर कर देते सॉल्व टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर पाँच सौ अट्ठाइस दोनों का पक्षांतर किया अब इसको इधर ले आएंगे बराबर के टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस पाँच सौ अट्ठाइस बराबर जीरो तो यहीं हमको ये यह क्वेश्चन छोड़ना है कि ए एक्स हमें क्या निकालना था इसमें द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का ही है तो लिख सकती है द्विघात समीकरण के रूप का है तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमने इसमें प्रूफ करना था कि द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है ये हमने इसमें क्या निकालनी थी स्थितियाँ जो दी थी वो हमने इसमें लगा दी कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है अब सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तीन सौ छः है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है हमें क्या करना पूर्णांकों को ज्ञात करना है लेकिन हमें स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ये हमें मेन चीज़ ये है जो हमें बताई गई है उसी हिसाब से हम चलेंगे कि हमें द्विघात समीकरण के रूप के लिखना है इस रूप में लिखना है इसे तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणलफल तीन सौ छः है मान लीजिए क्वेश्चन यहीं तक है ये अब यहाँ इससे आगे तो ये बोल रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है लेकिन हमें स्थिति जो क्वेश्चन में बताया गया वो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है तीन सौ छः तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें हम इस इसमें मानना पड़ेगा कि माना मैथ्स चलती ही मानने ही से हमें अज्यूम करना पड़ता है तो माना हमने लिखा कि एक धनात्मक पूर्णांक है माना एक कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है एक कर्मागत धनात्मक पूर्णांक एक्स है बराबर एक्स है तो दूसरा दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन कर्म चल रहा तो एक बढ़ जाएगा एक्स प्लस वन इसके बाद जो है कर्मागत बोला तो क्रम चलने पड़ेगा एक्स माना तो एक ऐड करके एक्स प्लस वन हो गया दूसरा फिर इसमें हमें कहा गया कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है? एक सौ तीन सौ छः दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार लिख सकते आप प्रश्न सारो प्रश्न अनुसार क्या दिया हमारे पास कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है तीन सौ छः तो हम लिखेंगे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया हमारे पर गुणन फल कितना है तीन सौ साठ बराबर लिख देंगे तीन सौ छः सॉरी तीन सौ साठ नहीं तीन सौ छः तो हमने दो कर्मागत धनात्मक गुणन कर दो कर्मागत धनात्मक गुणांग हमने क्या माना x और दूसरा माना है एक्स प्लस वन तो इसको गुणनफल कर देंगे x इंटू एक्स प्लस वन बराबर क्वेश्चन में दिया है तीन सौ छः इसका गुणनफल है तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्सिक्वस टू तीन सौ छः तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन सौ बराबर जीरो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गई ये भी समीकरण तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज्क्वल्स टू जीरो के रूप का है इसमें यही कहा गया द्विघात समीकरण के रूप में अपने निरूपित करना है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है कि रोहन की माँ उससे छब्बीस वर्ष बड़ी है रोहन की माँ उससे छब्बीस वर्ष बढ़ती है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से दस वर्ष पश्चात तीन सौ साठ हो जाएगी हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें क्या निकालनी है इसमें रोहन की वर्तमान आयु लेकिन हमें द्विघात समीकरण के रूप तक ही निरूपित करना है तो हमें बताया कि रोहन की माँ और उसके उस रोहन और उसके माँ की जो छब्बीस वर्ष बड़ी है सॉरी रोहन की माँ उससे छब्बीस वर्ष बड़ी है रोहन की जो माँ है उससे छब्बीस वर्ष बड़ी है तो इसको करते हैं सॉल्व सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे दस नहीं तीन वर्ष है तीन वर्ष पश्चात तीन सौ साठ हो जाएगी तो दस नहीं तीन वर्ष है इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि रोहन की माँ उससे छब्बीस वर्ष बड़ी है तो हम लिखेंगे माना पहले रोहन की आयु निकालेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु आयु या उम्र बराबर मान लिया हमने एक्स वर्ष वर्तमान आयु एक्स वर्ष रोहन की माँ की आयु तो लिखे रोहन के माँ की, तो मा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी जो उसमें कहा गया कि छब्बीस वर्ष बढ़ी है इनकी एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स वर्ष तो क्वेश्चन में कहा गया कि तीन वर्ष बस पश्चात उन दोनों की जो आयु है वो तीन सौ स्टार्ट हो जाएगी उन आयुओं का गुणनफल तो हमें तीन वर्ष बाद जो उनकी आयु निकालने पड़ेगी पहले दोनों की निकालनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे तीन वर्ष पश्चात या बाद में तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी पहले रोहन की आयु वर्तमान आयु अभी कितनी है एक्स वर्ष है तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी प्लस कर देंगे हम वर्तमान में तीन प्लस कर देंगे तो ये हो गई वर्ष आयु एक्स प्लस थ्री वर्ष और तीन वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु रोहन के माँ की आयु मा मा क्या है वर्तमान कितनी है एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री कर देंगे तो हो जाएगी एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन वर्ष अब चलते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि तीन वर्ष पश्चात उन दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो तीन सौ साठ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी क्यू लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार कि उन दोनों की आयु का गुणनफल जो तीन वर्ष बाद होगी तो रोहन की आयु कितनी है एक्स प्लस थ्री गुणन गुणा कर देंगे एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन बराबर कितनी है तीन सौ साठ इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स और ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री प्लस नौ तीस सत्ताईस का सात बचा दो तीन दोनों छः और दो आठ तिरासी इजिक्वल्स टू तीन सौ साठ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएंगे हो जाएगा थर्टी टू एक्स प्लस एटी एटी सेवन माइनस हो जाएगा इधर आके प्लस का था इधर आके माइनस अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स माइनस हो जाएगा माइनस का ही आएगा साइन क्योंकि बड़ा है तो दस में से सात गया बच्चा तीन यहाँ बच्चा पाँच पंद्रह पंद्रह में से आठ गया बचेगा सात यहाँ बच्चा टू दो सौ तिहत्तर बराबर जीरो तो ये इस रूप में मिल गया हमें तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है क्योंकि एक्स की पावर दो है तो द्विघात का है तो हम लिख सकते हैं यह भी द्विघात समीकरण के रूप का है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के में ये निरूपित हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया फोर्थ करते हैं फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है कि एक रेलगाड़ी चार सौ अस्सी किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसको इसकी चाल आठ किलोमीटर प्रति ओवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में तीन घंटे अधिक लेती है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है या कीजिए तो इसमें क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है जिस जो कि चार सौ अस्सी किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल जो है आठ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में तीन घंटे अधिक लेती है यानी कि यदि उसकी दूरी जो आठ प्रति किलोमीटर और से कम होती तो वो कितने दूरी को तय करने में तीन घंटे अधिक लेती है तो हमें रेलगाड़ी की चाल वो निकालनी है हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी है चाल ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की चाल तो क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल माना रेलगाड़ी की चाल एक बार हमने माना कि एक्स किलोमीटर प्रति हाउस इसी बार क्या हुआ कि जो रेलगाड़ी की चाल हो वो आठ किलोमीटर जो प्रति घंटा से वो हो, कम होने लगी तो हम लिख सकते रेलगाड़ी की चाल कम होने पर एक्स माइनस आठ क्योंकि आठ वो बोल रहा है कि आठ आठ किलोमीटर प्रति कि आवर की उससे वो क्या हो रही स्पीड उसकी कम हो रही तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल कम होने पर x माइनस एट किलोमीटर प्रति आवर तब हमने इसमें क्या दे रखा कि तो फार्मूला होता है दूरी ब, दूरी इज टू समय बराबर दूरी बटा चाल ये फार्मूला होता है इसमें दो कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट तो ये थे कि हमारी जो रेलगाड़ी वो दूरी तो समान उससे चल रही है किससे चार सौ अस्सी किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे से चल रही है लेकिन चाल जो इसमें फर्स्ट में तो एक्स किलोमीटर प्रति है और उसकी उससे चल रही थी सेकंड में एक्स माइनस आठ यानि कि आठ किलोमीटर प्रति है उसकी उससे कम हो गई थी तो हम फर्स्ट कंडीशन में निकालेंगे तब तो लिखेंगे प्रथम केस पहला केस क्या के हमारे पास फॉर्मूला यही लगेगा उसमें दूरी समय टाइम में निकालना हमने तो समय बराबर फर्स्ट केस कौन सा ये वाला तो एक्स दूरी क्या है इसमें एक्स और सॉरी दूरी तो इसमें चार सौ अड़तालीस चार सौ अस्सी है दूरी क्या है चार सौ अस्सी जो क्वेश्चन में गिवन है और चाल कितनी है एक्स तो ये हो गया फर्स्ट केस में सेकंड केस में क्या हो जाएगा या द्वितीय केस समय तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला समय बराबर इसी में लगाएंगे दूरी बटा चाल सेकंड केस क्या है ये दूरी कितनी है चार सौ अड़ता अड़ सी, सेम है चार कितनी एक्स माइनस एट तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड अब इन दोनों को इक्वल्स रख देंगे क्योंकि समय समय हमने निकाला इन दो को इक्वल्स रख देंगे वहाँ से हमारे पास एक्स फाइंड हो सकता है या फिर जो दो का समीकरण वो निकल जाएगी हम इसको इक्वल्स नहीं रखेंगे इसमें बहुत कन्फ्यूजन है अब इसमें क्या करेंगे जो हमारे पास बोला गया है कि दूरी को तय करने में तीन घंटे अधिक लेती है यानी कि जब तीन घंटे अधिक लेते तो हमें माइनस करना पड़ेगा कि चार सौ अस्सी जो x माइनस एट जो घटी उसमें से माइनस करेंगे जो हमारी रेलगाड़ी की चाली थी अड़तालीस बटा ये समय बराबर तीन क्योंकि तीन क्या बोल रहा है कि जो दूरी तय करी उसमें तीन घंटे अधिक लेती है तो अधिक लेती है बराबर तीन रख दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया इसमें से इसको माइनस कर दिया अब सॉल्व करते इसको अब ईजी हो जाएगा इसमें से क्या करेंगे वन हंड्रेड फोर हंड्रेड एट्टी को कॉमन ले लेंगे चार सौ अस्सी भार लिया तो यहाँ आ जाएगा एक बट्टा एक्स माइनस एट माइनस वन अपॉन एक्स इक्व टू थ्री ये हो गया अब यहाँ क्या हो जाएगा वन एट्टी हर समाहर को कॉमन ले, ले लेंगे तो एक्स माइनस एट हर का प्रेमीकरण तो एक्स एक्स माइनस एट ये, ये बराबर थ्री यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स ये गुना में इधर चार सौ अस्सी इधर बराबर किधर तीन बट्टे चार सौ अस्सी तो इसको डिवाइड कर देंगे चार से ये बनेगा वन बाई चार कम चार और सॉरी तीन ही कम तीन बचा एक अठारह छहते अठारह एक सौ साठ तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर तो एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स बराबर वन अपॉन वन हंड्रेड सिक्सटी तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ तो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स बराबर जीरो अठ अड़तालीस इसका आठ हासिल चार आठ आठ और चार बारह बारह सौ अस्सी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का उधर इधर आके माइनस का बारह सौ अस्सी बराबर जीरो तो ये पर द्विगार समीकरण के रूप का निकल गया यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इसमें से आप अगर एक्स निकालोगे तो हमको तो रेल रेल की जो चाल है वो हमें फाइंड हो जाएगी जो हमने मानी है कि रेल की चाल एक्स किलोमीटर प्रति आवर से तो लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो एक्स स्क्वायर है तो हमें द्विघात समीकरण मिल गई है क्योंकि इसकी घात दो है तो इस रूप में नहीं तो आप इसको आगे सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हो तो लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है सो थैंक यू गाइड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू